मेरे चैनल में आपको खुश आमदी असल वरहतल वबरक बहुत ख़ास मौजू है एक तो आ, दो इकट्ठे ग्रहण जो है वो आने लगे और ये दो इकट्ठे ग्रहण जो है वो अक्तूबर में हमें नज़र आएंगे जिसका बड़ा असर पड़ता है कुछ बुरजों में बहुत ज़्यादा होता है कुछ पे कम होता है और इसके साथ साथ दुआ की अहमियत और फजीलत मैंने देखा है दुआ मांगने के मामले में आ, कुछ कोहताइयाँ क्या लें गलत फहमियाँ क्या लें उनका दूर होना ज़रूरी है आ, उससे पहले डिस्क्रिप्शन में जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा यानी कि नीचे जो चैनल आ रहा है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा आप देखेंगे वीडियो के नीचे एक नीले से रंग की उसको क्लिक करेंगे नया चैनल खोलेगा उसको सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों का चैनल है आपकी दुआओं का शुक्रिया अल्लाह तला आपको कायम दायब रखे आदमी ज़ात अल्लाह ताली किया कुछ आ, ऐसे हैं बुर्ज जिनका मैं ज़िक्र करूंगा लेकिन आ, उससे पहले मैं दुआ की अहमियत आपको बता दूं क्योंकि मैंने देखा है कि हम लोग नमाज़ में अगर पाँच मिनट लगाते हैं तो दुआ में तो एक मिनट लगाते हैं और शायद हम ये समझते हैं कि और दुआ भी हम ऐसे मांगते हैं मेरा एक दोस्त है मैंने मैं कल भी मिसाल दी थी वो उसको मैंने कहा कि यार तुम ना रात को जब नमाज़ पढ़ो तो तहजद वगैरह पढ़ो तो तीन तीस से तीस चालीस के दरमियान नमाज़ के दुआ मांगूंगे दस मिनट और उस अब उसे दस मिनट लगा बहुत बड़ा टाइम है दस मिनट कैसे पड़ेगा उसने दुआ कुछ इस तरह से मांगी एक मिनट शुरू करके और अगले छः मिनट या ला पैसे दे दे ला पैसे दे दे याला पैसे दे दे याला पैसे दे दे याला याला रब दे दे याला पैसे दे दे याला पैसे दे दे ऐसे दुआ मांग रहा था मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो दुआ मांग रहा हूँ ठीक है तो मैंने ये देखा कि दुआ कैसे मांगनी है थोड़ा सा आपको बता दूँ फिर बुरजों की तरफ़ आते हैं जो कि फ़ायदा लेंगे देखिए खालिक और मालिक ने हर चीज़ रंगीन पैदा किया तो वो ख़ूबसूरती को पसंद करता है और ख़ूबसूरत तरीक़े से ही अगर उसका जिक्र किया जाए तो वो पसंद करता है शैफ़ा सजादिया हमारे पास एक किताब मौजूद है ए, इमाम हुसैन अल इसम के जो बेटे थे इमाम जैनलाब्दीन उनकी दुआओं की पूरी किताब है जिसमें आपने हमें दुआ करने का तरीक़ा भी सिखाया उसके अलावा भी बहुत से उल्मा और मशाइ की किताबें हैं जो कि आपको दुआ करने का तरीका बताती है मैं आपको मुख्तर तरीक़ा बता दूँगा ताकि आप इसको फॉलो करें आपने जब भी दुआ शुरू करनी है सबसे पहले तो आपने शुरू करनी है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से उसके बाद आपने दरुज शरीफ़ पढ़ा करें लंबा पढ़े छोटा पढ़े जब टू यू मैं तो सल महम्मद महमद पढ़ कर उसके बाद फिर अल्लाह ताला की किबरियाई बयान करके अपनी कोहतायाँ बयान करता हूँ जैसे आपने कहना है अल्लाह मैं एक मिसाल दे रहा हूँ अल्लाह तेरी शाद अजीम है अल्लाह तो पहलों से पहले और बाद से बाद है अल्लाह ना कोई तेरा मुकाबल ना कोई तेरा हमसर एः अल्लाह रहमान भी तो रहीम भी तो ऐसे आपने कम अज़ कम दो तीन मिनट अपने रब की शान बयान करने जैसे मैं अक्सर कहता हूँ एल्ला जो दरख्तों परिंदे सोए हुए हैं तो इनको गिरने नहीं देता तो अपनी मखलूक को कैसे भूल जाएगा उसके बाद फिर अगले दो तीन मिनट मैं अपनी कोहताइयाँ बयान करता हूँ मैं कहता हूँ या अल्लाह मैं जलील हकीर मस्किन तेरी बारगाह में हाज़िर हु मैं कहता हूँ अल्लाह मेरे गुनाहों की फहरिस्त बड़ी तावील है मैं तुझसे इंसाफ नहीं मांगता मैं तुझसे रहम मांगता हूँ क्योंकि इंसाफ आया तो पता नहीं मेरी कितनी कोहताइयाँ निकल के सामने आ जाएंगे याला मैं इंसाफ़ नहीं चाहता मैं तेरा रहम चाहता हूँ फिर मैं दो तीन मिनट अपनी ज़िक्र करने के बाद फिर मैं अपने जो भी मेरी हाजत होती है मैं अपने अल्लाह से वो मांगता हूँ इस तरह ये आठ दस मिनट की दुआ बनती है और यकीन माने जब आप ये पढ़ेंगे और ख़त्म जब आपने करने तो फिर आपने दरुद शरीफ पढ़ने है। याद रखिएगा दो दरुदों के दरमियान जो दुआ है वो पहुँचती है एक दरुद वाली दुआ बीच में रह जाती है ये याद रखिएगा कलाम मार्फत है बताया और उन्होंने कहा कि हमेशा दवा का आगाज़ दूद और अख्तिताम भी द्रोद शरीफ पे करो इसलिए हम अव्वल और आखिर द्रोज शरीफ की बड़ी फजीलत बयान हुई है बहुत से वायफ़ में हम आपको बताते हैं कि अव्वल भी द्रोशरीफ़ पढ़े और आखिर भी द्रोज शरीफ पढ़े तो यहाँ पर भी इसकी अपनी अहमियत है ठीक है तो आपने वो पढ़ना फिर आप देखेंगे आपके अपने कल्ब की कैफियत भी तब्दील होनी शुरू हो जाएगी मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे कि जब वो इतने टूटे हुए होते हैं अंदर से कि जब वो अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते हैं तो रो पड़ते हैं इस तरह आंसू बहते हैं ना कि मैं, मैं कहता हूँ या ज़र्फ मुझे भी दे दे ये 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 चीज़ अंदर से जो निकलती है ना या मुझे भी दे दे इसी तरह मैंने कुछ लोगों को देखा जब वो अपनी बुराइयाँ बयान करते हैं अपनी ख़ामियाँ कोतियाँ बयान करते हैं तो रो पड़ते हैं। और दस दस मिनट पंद्रह पंद्रह मिनट रोते रहते हैं और फिर अपने अल्लाह से बातें करते रहते हैं रो जा रहे हैं और बातें कर रहे हैं मैंने कई दफ़ा ऐसे लोगों को देखा मैं कहता रहा हूँ अल्लाह क्या बात है इन लोगों की क्या अल्लाह ताला ने इनको फजीलत दी है क्या इन लोगों का मुकाम है जो अल्लाह से बातें कर रहे हैं तो आप भी इसको ऐसे ही किया करें ख़ास पर जो नमाजें आप रात को पढ़ते हैं ख़ासतौर पर जो वज़ाइफ़ आप खामोशी में करते हैं खामोशी की अपनी एक आवाज़ है और ये वो आवाज़ है जो खालिक सुनता है जब सब तरफ़ से मायूस होकर आप अल्लाह की तरफ़ देखते हैं तो वो आपको मायूस नहीं करता ये मेरा ईमान है और इस ईमान को यकीनन शैतान डगमगाने की पूरी कोशिश करता है जब मैं मगरिब की तरफ़ देखता हूँ कि वो लोग लादीनी लोग सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हम मुसलमान ममालिक में बेचैनी अफरा तफरी और जिस मुसलमान से मिलो ना पाकिस्तान में वो कहते हैं जी क्यामत करीब ही खड़ी है और जब आप यूरोप जाते हैं तो आपको लगता है कि दूर दूर तक क्यामत का नामो निशान है नहीं ये लोग इतने सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये क्यामत आपको पाकिस्तान में ही नज़र आती है और उसकी वजह आपकी अफरतफरी है आप अपने आप को सुकून देने के लिए कहते हैं कि हम दुनिया में मुसाफिर हैं तो बस गुजारा चल रहा है कि क्यामत का को कोई पता नहीं कब आ जाएगी बहुत से थाट्स हमारे यहाँ अजीब और ग़रीब तरह की पैदा हो गए रसूल अक्रम सक साहब भी थे उनको जब वजीफ़ा मिलता था मैं एक मिसाल देता हूँ आपको मतलब उनको अगर आ, महीने का वजीफ़ा जो है वो सौ रुपये मिलता था और वो ये देखते थे कि इस महीने अगर मैं एक दरम रोज के खाऊँ तो तीस दरम एक मिसाल दे रहा हूँ तो वो चालीस दरम रख कर साठ दरम सदका कर देते थे ग़रीब मस्किन को दे देते दे। हाकििम वक्त ने उनसे कहा वो तुम इतना तो रखते हो अल्लाह के ऊपर और ये तीस दिरम साइड पर कर देते हो तो उन्होंने बड़ा ख़ूबसूरत जुमला कहा उन्होंने कहा बादशाह अगर ना मिला खाना तो क्या तुम मुझे देगा होना तो इस्लामी स्टेट का काम था कि गरीब को मुहैया करे लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इस्लामिक स्टेट यानी कि ये इस्लामी हुकूमत नहीं है ये नहीं दे पा रही तो मैं इतना रख लेता हूँ कि मुफलसी ना हो क्योंकि मुफलसी से अल्लाह के रसूल ने मना फ़रमाया फरमाया मुफलिस ना हो इस्लाम में वजीफ़ा लगाया इसीलिए गया था शायद आप बहुत कम लोगों को मालूम हो कि हर शख़्स का मुसलमानों के दौर में वजीफा था जो कि बैतुलमक़दस से दिया जाता था यानी कि पैदा बैतुलमाल से सरी बैतुलमाल से दिया जाता था जो कि बच्चे के पैदा होने उसका वजीफ़ा लग जाता था इस पर बहुत सी कहानियाँ बहुत से हकाइक बहुत सी आपके पास रिसर्च है वो मेरा मौजू नहीं है नहीं तो मैं आपको बताता कि हर हल्फ राशिदीन के दौर में आज फिर बायदा जो है बहस हुई रिसर्च हुई और पैदा होने वाले बच्चे का वजीफ़ा भी लग जाता था इस्लामी दौर में तो वो वेलफेयर स्टेट ही नहीं रही वो इस्लामिक स्टेट ही नहीं रही और उसकी वजह से हम नतज तो भुगत ही रहे हैं जब जुदाह दिन से सियासत तो रह जाती है चंगेजी तो हम उसको देख रहे हैं दुआ की मैंने आपको तरतीब भी बता दी और तरकीब भी बता दी तो इसलिए आपने लाजमी फॉलो करना ये एक सवाल था जो कि बहुत सी बहनों ने किया जब मैंने ये चांद ग्रहण के हवाले से और सूरज ग्रहण के हवाले से वीडियो बनाई थी फिर उन्होंने कुछ और सवालत भी थे उन्होंने कहा जी देखिए हम आपको अभी चौदह अक्टूबर से लेकर उनतीस अक्टूबर के दरमियान चाँद ग्रहण आना है हम बहुत पहले से आपको वीडियो बना के सिर्फ़ इसलिए मुतला कर देते हैं हमारे बताने का मकसद ही होता है आप अपनी तैयारी रखें कि ये वक्त आने वाला तो आपकी तैयारी आपको फ़ायदा देगी बार बार आपके सामने से जब वीडियो गुजरेगी तो आपको पता लगेगा कि ये भी इल्मी तौर पर ऐसा ही था और ऐसा ही करना था फिर एक बात याद रखिएगा कि बहुत से अंबिया ने अपनी कौम के लिए अजाब मांगा हज़त नू ने मांगा आपके सामने है। उसके बाद कई दफ़ाज़र मूसा तंग आए हैं अपनी कौम से बहुत से अम्बिया अपनी कौम से तंग आए हज़त शुब अपनी कौम से तंग आया कुछ अम्बिया तंग आया कुछ अम्बिया की जमातें जो थी वो इन्होंने कत्ल किए हैं किसी ज़माने में पूरे पूरे एक जमात हुआ करती थी वो नबी भी होते थे रसूल भी पैगम्बर भी पूरी पूरी जमातें होती थी और उनको कत्ल कर दिया जाता था तो अजाब आ जाता था वाहिद वाद हज़रत महम्मद सल्ला वसम की शख्सियत है कि आप लोगों पर सैजाब उठा लिया गया आप झूठ बोले आप जना करें आप कत्ल करें आप बेईमानी करें आप ना तोल में कमी करें आप कोई भी गलत काम करें और सुबह उठकर आप शीशे में देखें और आप मस्क करके बंदर और रीछ नहीं बन चुके तो आप हज़रत महम्मद सल्ला वसलम का शुक्रिया अदा करें यकीन माने बड़ी अंदर की बात मैंने आपको बताई है तो दुआ की अहमियत और दुआ मांगने का तरीका ये मैंने ख़ास तौर पे वीडियो आप बहनों और भाइयों के लिए बनाई है वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे जो अब बुर्ज हैं मैं उनकी भी थोड़ी सी आपको डिटेल बता देता हूँ सबसे पहले हम टोरस वालों की बात करते हैं और एक जुमला जो मुझे सुनने को बहुत मिलता है मेरा दिल करता है कि मैं थोड़ा सा जो है बड़ी डिटेल से मैं बताने के बावजूद शायद बता नहीं पाता खैर टोरस बुरजे शौर वाला पहले तो आपने डिस्क्रिप्शन में यानी कि नीचे जो चैनल आ रहा है जिसका रंग तब्दील है उसको क्लिक करना है नया चैनल खुलेगा उसको अपने क्लिक करना है बच्चों का चैनल है उसको लाजमी सब्सक्राइब करें हज़ारों व्यूज़ के बाद भी सैकड़ों में अगर सब्सक्रिप्शन हो तो दिल बड़ा दुखता है लेकिन खैर चलें आत्मजात ज़ात अल्लाह तै की सद का अखेरा करते रह करें आपको अब कुछ लोग मुझे कुछ मैसेजेस आते हैं कि सर आप तो बताते हैं कि टॉरस का 2024 बड़ा अच्छा है मेरा तो बड़ा बुरा गुजर रहा है मेरे याद रखिएगा बड़ा ख़ास तरीका मैं आपको बताने लगाऊँ यह मैंने पहले भी आपको बताया था अब मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करने लगाऊँ आपने करना है क्या अगर आपके काम नहीं हो रहे ना और आप समझते हैं कि आपके काम होने चाहिए और आपको खुद जाती तौर पे ये लगता है कि कहीं पे मामला फंसा हुआ है हल नहीं हो रहा तो अब वो वजीफा करें जो सरदार वजीफा है। अब अपने आप को टेस्ट दें अब आप पढ़े अस्तफार अस्तफार की तस्वीर पढ़े हर वक्त जो भी आपको इस्तफार आता है नहीं तो इसफ़ार अस्तफिरल्ह अस्त हर वक़्त पढ़े क्योंकि फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके कुछ काम माजी में ऐसे रहे हैं जो कि अब रुकावट बने हुए हैं आपकी कामयाबी में हमारे लोग माइंड कर जाते हैं माइंड ना किया करें इंसान है गलतियां होती रहती है कुछ आप जान के करते हैं और कुछ आपको पता नहीं लगती आपसे हो जाती है बाद में आप कहते हैं यार मेरे से गलती हो गई जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ आपका कोई भाई बहन बाहर के मुल्क बैठा हुआ है बड़े ग़ौर से सुनिएगा मैं वो कलामें मार्फत आपको दे के जा रहा हूँ जो आप यकीन माने कि सदियों में ये कलाम सुनने को मिलते हैं और अगर आप इनको समझ गए तो ज़िंदगी संवर जाएगी और ना समझे तो फिर दे जा सखिया राय खुदा तेरा रल्ला ही बूटा लावेगा आपका कोई बहन या भाई बाहर के मुल्क बैठा हुआ है और बड़ा अच्छा कमा रहा है जब वो बाहर के मुल्क जा रहा था उसने एक बहन भाई अपना जो था भाई फर्ज कर लिया उसको कहा कि तुम पाकिस्तान में रहो तुम घर वालों को देखना मैं तुम्हें बाहर से पैसे भेजूंगा अब ऐसा निज़ाम चल रहा था बाहर वाला बड़ा अच्छा कमा रहा था यहां वाले को भेज रहा था ਸਾਤ ਵਾਲੇ ਬਹਿਨ ਭਾਈਓ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਅਬ ਉਹਨੂੰ ਜੈਲ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਇਸਕੋ ਵੇਚ ਰਹਾ ਮੈਨੇ ਵੇਚ ਰਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਈ ਕੋ ਬੜਕਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਉਹ ਜੇ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ 1200 ਦਾ ਸਵੈਟਰ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 30000 ਦਾ ਜੈਕਟ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਸਕੂਲ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ 30000 ਤੇ ਵੀ ਪੜ ਸਕਦੇ ਨੇ 17000 ਫੀਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਬੜੀ ਹਾਰਡ ਮੰਨੀ ਹੈ ਯੂਰਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਏਗਾ ਗਲਫ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੂਰਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹਾਰਡ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕੰਮਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੈ कदार मेरा तो पैसा लग गया फिर उस शख्स की जो बाहर बैठा है बीवी या बेटी या बेटा पाकिस्तान में चक्कर लगाता है चचा के पास और चचा के शहाना आए तर्ज़ ज़िंदगी को देखता है एक तो चचा ने भी ज़िंदगी को बहुत शहाना किया होता है ये भी सच है कुछ हद हाँ तक तो वो जाकर अब्बे को बताता है और वालद साहब फिर वो खर्चा पानी रोक देते हैं और यहाँ वाला शख्स मरने के करीब हो जाता है क्योंकि उसने ज़िंदगी में काम तो कोई नहीं किया होता उसे तो बस पैसा आना और उड़ाना आता होता है उसने कोई ऐसा काम तो किया नहीं होता कि वो उसने कोई सेविंग की हो कुछ बनाया हो एक मिसाल दे रहा हूँ तो जिन बहन भाइयों ने ये साजिश की होती है उनको कुछ ना कुछ खर्चा पाने मिल जाता है क्योंकि अब रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो उस रिपोर्टिंग का वो सिला ले रहे होते हैं बिल्कुल ऐसे ही है, है जैसे अमेरिका हुकूमत को हमारी देता है अब जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो बहन जो अठारह साल की है कॉलेज जा रही है रिपोर्टिंग कर रही है और कुछ पैसे पैसे ले लेती है कभी मोबाइल मंगवा लेती है अपना खाना पीना उसका अच्छा चल रहा है अब ये बहन जब चालीस साल की होती है और ब्याह के जाती है चालीस साल की मतलब ब्याह के गई है बीस पच्चीस साल में अब चालीस साल की हो गया बच्चे उसके हो गए उसको अगर माली तंगी या मसायल का शिकार है तो वो भाई जो बाहर बैठा हुआ है वो अब उसकी मदद नहीं कर रहा और मैंने ऐसा भी देखा है कि वो बहन हस्पताल में एडिया रगड़ती मार गई है यकीन माने भाई ने मदद नहीं की और अब वो कह रही है कि ये तो मेरा भाई था मैंने इसके साथ बड़ा किया इसने मेरे साथ नहीं किया तुमने जो गलत किया था उसका तुम इनाम पा रही हो बहन ज़रूरत नहीं थी इस रिपोर्टिंग की अगर वो यहां वाला खुला खा रहा है बाहर वाला खुला भेज रहा है वो जाने वो जाने उसके पैसे उसके पैसे हैं तुमने बीच में खाम खवा मुदाखलत करके अपने लिए रास्ता हमवार किया है बुराई का ये ऐसे ही है जैसे अल्लाह क़ुरान में फरमाता है कि ये जादूगर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते ये जो मारते हैं ना लोगों को जादू करके कुछ नहीं बिगाड़ सकते होता वही है जो खालिक चाहता होता है तुम बीच में आकर अपने लिए अजाब खड़ा कर लेते हो और ऐसे ही है बहुत सी रवायात में है कि यार दुनिया में ऐसे शख्स भी हैं जिनके पास पैसा है लेकिन वो फ़कीरी की ज़िंदगी फ़कीरों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं फ़कीरी नहीं फ़कीरों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं और जब वो मरेंगे तो हिसाब वो अमीरों की तरह देंगे क्योंकि पैसा तो उनका ज़िंदगी फ़कीरों की तरह गुजारेंगे मरेंगे अमीरों की तरह पैसा देंगे बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ मैं ऐसे आदमी और औरत को जानता हूँ वो कपड़ों को ना ऊपर से पेवन लगा लेते थे लोगों के घर से प्लेट लेके खाना खाते थे ज़मीनें इकट्ठी की मर गए आज उनकी बहू इंजॉय कर रही है उस पैसे के ऊपर वो आगे साफ दे रहे होंगे उन जमीनों का यकीन तो मेरे बहन भाई ज़रा देखा करें इन चीज़ों को कि ऐसे क्यों है अल्लाह ताला तदिल वो इंसाफ़ तो करता ही करता है रहमत भी करता है उससे रहमत मांगे इंसाफ़ ना मांगे क्योंकि इंसाफ़ मांगा ना तो आपका कहीं ना कहीं से कोई ऐसा अमल निकल आएगा कि आप कहेंगे यार ये जो मैंने समझाया मैंने समझाना तो था टोरस वालों को लेकिन मेरा ख़्याल है ये सब लिए ही एक जैन सी बात हो गई है और आ, क्योंकि अब मेरा ख़्याल है ये सभी बुरजों के लिए ठीक गया सभी को समझ आ गया होगी सिर्फ टॉरस के लिए तो नहीं है ये सब के लिए होगी बात करनी टॉरस की थी और बात कहाँ से कहाँ निकल गई एक तो ख़राबी है तबीयत भी है बहाल थोड़ी होती है फिर असल में काम इतना है वर्क इतना है आराम का टाइम नहीं मिलता तो, तो मेरा ख़्याल है कि आपको मेरी बात काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी ठीक है इसके बाद जो अगला बुर्ज है वो लिब्रा वाले हैं और लिब्रा वाले कहाँ गलती कर रहे हैं मैं उनको अभी बताता हूँ ठीक हो गया शुक्रिया बात करते हैं लिब्रा वालों की आ, लिब्रा वालों के लिए 2023 जो था वो उनका साल था और अगर इस साल में वो फिर भी कामयाब नहीं हुए तो मुझे बड़ी मायूसी होती है जब वो मुझे कहते हैं कि हम कामयाब नहीं हुए उसकी वजह क्या मैं उसकी वजह भी आपको बताता हूँ अभी भी आपके पास वक्त है तीन माह पढ़े हुए आप कामयाब हो सकते हैं लेकिन उससे पहले ये जो डिस्क्रिप्शन में नीचे देखेंगे नीले रंग का एक आ, चैनल आ रहा है इसको क्लिक करें और इसको सब्सक्राइब करें इन आपको मेरी दुआई मिलेंगी हतमी ज़ात अल्लाह ताला किया सद का अखेरात करते रह करें बेहतर होगा लिब्रा 2023 आपका था थोड़ी सी नास तबीयत है माता चाहता और 2023 में आपने कामयाब होना है लेकिन एक चीज़ जो आपकी बुर्ज के अंदर है वो है आपकी फैसला लेने की कुवत में कमी कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर आप बड़े फैसले नहीं ले सकते अभी तक जो रिसर्च हुई है लिब्रा के बारे में वो ये है कि लियो का मैंने बताया था कि उनको मैनेजेरियल लेवल मिलता है आपको मैनेजेरियल लेवल देते हुए सोचते हैं कई दफ़ा आप असिस्टेंट मैनेजर एडिशनल मैनेजर तो आ सकते हैं क्योंकि आप एक छोटे ग्रुप को अच्छा चला लेते हैं अगर आपको एक फ्रेंचाइज़ दे दी जाए आप उसको अच्छा चला सकते हैं लेकिन आपको चार पांच फ्रेंचाइज दे दी जाए तो आपके बस से बाहर हो जाता है ये मैं एक ओवरऑल जनरल बात कर रहा हूँ ये हतमी बात नहीं है एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ तो आप इसी तरह मोहब्बत के मामलों में भी बाज बहुत ज्यादा इन डेप्थ सोचते 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 वहां पहुंच जाते हैं जहां आपकी फीलिंग्स खत्म हो जाती हैं और सिर्फ आपका दिमाग रह जाता है कूद पड़ा आतिश नमरूद मेशक अक अक मैं भी हैरत है कैसे क्या, क्या हो गया तो आपको यहां पर कामयाबी नहीं मिलती चाहे वो कोई भी मामला तो अब आप ये देखिए अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है नहीं तो क्या करेंगे सवाल तो यह पैदा होता ना मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है सर मान लिया करूँ क्या कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कामयाबी कैसे मिलेगी पहली बात तो यह है कि अपने गोल को आप क्लियर करें अपने विजन को क्लियर करें कि करना है क्या बाहर जाना है तो बाहर जाना है बाहर जाना है तो बाहर जाना है सी ए करना है तो सी ए करना है डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनना है आर्मी में जाना है तो जाना है प्लान बी ना रखे आपके पास जो प्लान बी होता है ना वो प्लान ए को भी बर्बाद कर देता है। आप ऑनड शिवाजनगर की ये बात याद रखें वो कहते हैं देर इज नो प्लान बी इन अ लाइफ देर इज ऑलवेज अ प्लान ए उसकी ज़िंदगी में हमेशा प्लान ए होता है प्लान बी नहीं होता आपकी ज़िंदगी में भी प्लान ए होना चाहिए वाहिद आपकी कामयाबी का रास्ता है आप किश्तियाँ जला कर समझे आगे जा रहे हैं आगे दुश्मन पीछे समुंदर जीतेंगे तो कामयाबी है नहीं तो मरेंगे और याद रखिएगा, ये लॉन् मस्क की मिसाल आपके सामने है कामयाबी मिलती ही तब है जब आप ये तय कर लेते हैं कि या तो मरूंगा या करूंगा या कर जाऊंगा या मर जाऊंगा दूसरा हाल कोई नहीं होता आपके पास वो देखे एंड बिलियंस डॉलर का बंदा जब रॉकेट बनाने पर आया घर तक उसने बेच दिए खुद किराए पर चला गया विजन क्लियर था उसका कि मैंने करना ही करना है बैंक से लोन लिया जो भी हुआ एक लंबी कहानी मुसलमान स्पेन के साहिल पे पहुंचे मैं इस बात से मुतफिक नहीं हूं कि दुनिया को फतह करने के लिए तलवार का इस्तेमाल किया जाए लेकिन फिर भी एक रवायत है कि जब पहुंचे तो किश्तियां जला दी और आगे दुश्मन तो फिर मुसलमानों ने स्पेन फते ही करना था बहरहाल वो जो हमने तलवार से फतेह किया था वो तलवार से ही वापस हो गया स्पेन में आखिरी मुसलमान तक निकाल दिया गया एक लंबी बहस है मुसलमानों के रुज जवाल की हमें पाकिस्तान सत्तर साल से बना इसके रुजो जवाल को देखना चाहिए मुसलमानों के रूजो जवाल को देख कर पुरानी यादों को याद करके कोई फ़ायदा नहीं तो लिबरा वालो एक अपना टारगेट बनाएं और फिर उसके ऊपर जब फोकस हो जाए तो फिर उसके लिए जो वजाइफ करने हैं उसके लिए जो माल करने हैं उसके लिए जो नमाजें पढ़नी है उसके लिए जो अल्लाह से इल्तजा करनी है फिर उस पर काबिज हो जाए फिर उस पर स्टैंड ले लें अल्लाह भी उन्हें लोगों की मदद करता है जो बहादुर होते हैं बहादुरी से अपने फैसलों पर खड़े हो जाए जब आप खड़े नहीं होते ना अच्छा फिर ये आपका विजन भी क्लियर होना चाहिए एक बात याद रखिएगा विजन इस हिसाब से क्लियर होना चाहिए कि विज़न भी पता हो कि यार ये अचीवेबल है भी है कि नहीं है अगर अचीवेबल नज़र नहीं आ रहा तब भी आप अचीव कर सकते हैं ये भी आज याद रखिएगा आज मेरी बात जो चीज़ इम्पॉसिबल नज़र आ रही है उसी में आई एम पॉसिबल छुपा हुआ है आपके लिए लिब्रा वालों ये बात भी याद रखिएगा लेकिन वो और सतह वो ओल्ड लेवल के लोग हैं अभी जनरल पब्लिक की बात करते हैं कि ये देखिएगा जो टारगेट बना रहे हैं आप जो गोल बना रहे हैं वो थोड़ा सा रियलिस्टिक हो अचीवेबल हो बिल्कुल उतरे बेमार की तरह नहीं हो कि बस उतरना मैदान में और कामयाबी ही कामयाबी होने ऐसे नहीं होना चाहिए ठीक है तो आप कामयाब हो जाएंगे अगर आप इसको समझ गए तो फिर आप अपनी जिंदगी को समझ जाएंगे मैंने आपको एक नुक्ता बता दिया जहां पे आप फंसे हुए हैं यहां से आप निकले तो फिर कामयाबियों का ला मुतनाई एक सिलसिला आपके लिए मौजूद है ठीक हो गया शुक्रिया बात करेंगे पाइसिस वालों की बुरजे होत पाइसिस या बुरजे होत वालों की के कहाँ पर कामयाबी रुकी हुई है कहाँ पे कामयाबी मिल सकती है और कहाँ पे ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से आप परेशान हैं और आपके काम नहीं हो रहे बहुत से लोग मैसेज करते हैं सर आपने कहा था पाइसेस पाइसेस कामयाब नहीं हो रहा वजह बताए वजह मैं बता रहा हूँ आपको कि पाइसिस को कामयाब होना चाहिए हो क्यों नहीं रहा सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें जो नीचे आ रहा है नीला सा क्लिक करें सब्सक्राइब गुड गुड हो गया उसके बाद मैं वजह बताता हूँ पाइसिस कामयाब क्यों नहीं हो रहा बुरजे औरत वाले मरद या औरत फितरतन आपके अंदर एलेवंथ और काम की जो सलाहियत है वो बाजुकात आपको मरवा देती है ये मेरी बात याद रखिएगा पाइसिस के अंदर दो चीज़ें मरवा देती एक तो आप फैसला नहीं कर पाते कि आप मुस्तबिल में क्या बनेंगे आपने मुस्कबिल में दो तीन चीज़ें रखी होती हैं अहदाफ़ रखे होते हैं कभी आप ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे और कभी कभी आपको घर वाले मजबूर कर देते हैं आपको बड़ी शाबाश देते हैं कि यार यू कैन डू इट बट यू कैन नॉट डू इट जिंदगी की हर फील्ड आपके लिए नहीं है अब जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ आप मैथ में बड़े अच्छे होते हैं और आप आगे जाकर डॉक्टरी पढ़ रहे हैं मैथ में आप अच्छे हैं लेकिन आप एफ प्री मेडिकल में कर रहे हैं अब किधर प्री मेडिकल किधर मैथ लेकिन घर वाले कहते हैं यू कैन डू इट तो आप समझते हैं कि आप कर सकते हो फिर आप पेपर के दौरान ये अलेवेंथ और में जाकर आप काम करते हैं एंड टाइम पे देखते हैं किताब उठा के जाकर पेपर दिया और आप कहते हैं वो जी मैंने पेपर दिया मैं पास हो गया देखे मैंने एक घंटा पढ़ के मैं लोगों की तरह नहीं हूँ जो सारा सारा दिन बैठ के पढ़ते हैं तो भाई फिर तुमने क्या पढ़ लिया तुमने एक घंटे पढ़ लिया तुमने कौन सा गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है क्या पढ़ लिया इस ज़माने में कौन सी अचीवमेंट हासिल कर लिया है यही अगर तुम अपनी काबिलियत को इस्तेमाल करते सात आठ घंटे पढ़ लेते तो यू आर वन ऑफ द बेस्ट सर्जन ऑफ द वर्ल्ड कैन बी आप हो सकते हैं ये सलाहियत बुरज होत और पाइस वालों ने आज तक अपनी समझी ही नहीं ये आपके अंदर आपके बुरज के अंदर बहुत बड़ा खला है और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इनको आप ओवरकम कैसे कर सकते हैं नंबर एक बता रहा हूँ यार ये अलेवन्थ और मैं काम ना क्या करूँ थोड़ा सा वक्त दो अपने कामों को आप वो लोग हैं जिन्हें इनोवेटिव या क्रिएटिव किस्म के लोग कहते हैं क्योंकि आपकी सिक्स सेंस अच्छा काम कर रही होती है आपको पता होता है इन दस सवालों में से यार ये चार आने हैं उन चार में से भी आप दो तैयार करेंगे तो फिर क्या तैयार करेंगे दो आप अपने पास से लेकर आ जाएंगे आप कहेंगे चार के चार का मैंने जवाब दे दिया ओ भाई तुमने दे तो दिया पर दिया क्या तो आपको ये ही समझा रहा हूँ बहुत अच्छी पैसि ख़वात होती है घर को बड़ा अच्छा चलाती है लेकिन बच्चों के मामले में थोड़ी सी लापरवाह होती है अब मैं थोड़ी सी लापरवाह कहूँगा मेरी पैस बहनें नाराज़ हो जाएंगी लेकिन देखें बुरज के स... देखिए आपके बुरज में ना थोड़ी सी लापरवाही है ये लापरवाही बाज़ जगह थोड़ी सी ख़तरनाक भी साबित होती है कि थोड़ी सी भी जहर होती है बच्चों के मामले में ऐसे ही है आप बच्चों को चलाने का अपना एक ढंग रखती हैं आपको शोहर कहेंगे यार बच्चे को आज तुमने मैंने देखा छः घंटे मोबाइल दिए रखे जब मैं देखता हूँ बच्चा टैब पे है इसको पढ़ा भी लिया करो तो आप आगे से कहेंगे आप पढ़ा लें आज हफ्ता इतवार है आप हारगे आप भी कभी साथ दिया करें आप भी कभी पढ़ा लिया करें मुझे देखे इतने काम है बर्तन भी मैं धो रही हूँ कपड़े भी मैं धो रही हूँ ये भी मैं कर रही हूँ वो एक्सक्यूज़ लेम एक्सक्यूज़ की एक तवील दास्तान आपने रखी होती है अपने पास हर बात का जवाब आपके पास मौजूद होता है बाजार आपको एहसास होता है बाद में कि यार इस जगह जवाब नहीं देना था लेकिन आप वक्ती तौर पर हार नहीं मानती इसलिए आपको मैं कहता हूँ वकील बने ना आप सबसे अच्छी रहे और जज भी हाथ जोड़े क्या है बीबी तू ठीक है आप ऐसी औरतें होती हैं ये चीज़ें आपको ओवरकम करनी होती हैं हमारा काम यही होता है आपको बताना कि कहाँ पे गलती हो रही है कहाँ पर आपने इन मैटर्स को थोड़ा सा देखना है बहनें हैं आप बेटियाँ हैं आपको समझाते हैं यही पाइसिस बर्थों के हवाला आ, के हिसाब का था बैठे होंगे लेजीनेस डे ड्रीमिंग बैठे बैठे अमेरिका पहुंच जाएंगे अगर आपने बैठे बैठे अमेरिका इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया पहुंचना है आपने तरक्की करनी है तो फिर भाई जो फार्मूले बताता हूँ मैं वो बेड पे लेटने वाला लाइट बंद करके वो करो ना फिर यार वो भी तो करके देखो ना अगर आप वो नहीं करते तो फिर डेड ड्रीम से तो काम ख्वाब होते हैं जो सोने नहीं देते ख़्वाब वो हो नहीं होते जो सोते में देखे जाते भाई की बातें जो है ना वो लिखा करें कला में मार्फत सुनहरी रूफ़ फिर कहाँ मिलेंगे दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिला ये बातें आपको कहाँ मिलेंगे मैं एक, एक बुर्ज को तफसील से खोल के बयान करता हूँ आज तक इतना बयान ही किसी ने नहीं किया आपके सामने इन बुर्जों को उठा के देखे कभी पाकिस्तान में हर काम में रिसर्च हुई ही नहीं बस हमने अपने आप को तसल्ली दे हुई है कि हम बहुत जीनियस किस्म के लोग हैं नो डाउट हम पॉजिटिव हैं जीनियस हैं लेकिन अभी दुनिया से बहुत पीछे हैं मासूम सादे लोग हैं हम हमें आज तक यही नहीं पता लगा कि हमारा निज़ाम हुकूमत क्या होना चाहिए निज़ाम माशरत क्या होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम क्या होना चाहिए मेडिकल सिस्टम इतने मासूम और सादे लोग मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे जितनी मासूम और शादी कौम मेरी है लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कौम को बेदार करने की तो इन उम्मीद है कि रिज़ल्ट अच्छे आएंगे ठीक हो गया शुक्रिया